नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, हीरामंड डायमंड बाजार। लेकिन अभी जैसा कि उसकी रिस्पॉन्स था और उसका रिव्यू था, तो लोगों ने उसको पसंद नहीं किया था। लेकिन अभी संजय लीला भंसाली के द्वारा उसका एक फेक अनाउंसमेंट इवेंट लॉन्च हुआ था, जिसमें वो बॉम्बे के घाट पे एक सिडनी हीरामंडी के जो सॉन्ग्स थे उनको एक मिक्सअप करके परफॉर्मेंस दिया था। और उसी के साथ ही उन्होंने एक सीजन 2 का अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है नेटफ्लिक्स पे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उसकी ज़रूरत ही क्या थी, लोगों ने पहले ही उस सीजन को नकार दिया था, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था, चाहे वो स्टोरी लाइन हो या फिर एक्टिंग वाइज हो। हालांकि सिनेमाटोग्राफी वाइज अच्छा था, एडिटिंग वाइज भी अच्छा था, बट म्यूजिक उसका इतना इम्पेक्टफुल नहीं रहा है जितना संजय लीला भंसाली की फिल्मों में होता आ रहा है। तो फिर ऐसी क्या जरूरत मांग पड़ी है कि उसका सीजन 2 लाया जा रहा है? लोगों को इतना एक्साइटेडमेंट भी नहीं है उसकी सीरीज को लेकर, खासकर जैसा उसका रिस्पॉन्स रहा था, लोगों ने देखी थी। 8 एपिसोड थे लेकिन 8 भी बहुत भारी पड़ गए थे लोगों के ऊपर, और कुछ ने तो देखना छोड़ ही दिया था, बीच में ही बंद कर दिया था लोगों ने। तो संजय लीला भंसाली से मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिर उनको ऐसी क्या ही मजबूरी गई कि उनको सीजन 2 लाना पड़ रहा है। या सोचता है सीजन 2 में कुछ अच्छा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ अच्छा होगा। हालांकि वो थोड़ा सा और अगर एड ऑन कर सके इस चीज़ को, ज़्यादा अच्छा होगा इस सीरीज को लाने के लिए।